सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम करजन ग्राउंड हजारीबाग में हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नेहरू युवा केंद्र हजारीबाग के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस प्रतियोगिता के आधार पर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेल संपन्न होने हैं। और वहीं आप मैदान में देखेंगे तो अभी यहाँ पे दो टीम को लेकर के फुटबॉल का मैच यहाँ पे चल रहा है। हम कुछ बात करना चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम है आज और कल दो दिनों में संपन्न होगा। जैसा कि आप देखेंगे 3 मार्च और 4 मार्च को यहाँ पे आयोजन हो रहा है। हम कुछ बात करना चाहेंगे यहाँ से सर से। सर सबसे पहले तो सफर नया भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा इस प्रकार के जो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है करजन ग्राउंड में, इस विषय पर? विभिन्न ब्लॉक से युवा चुन के आए गए हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा प्रेजेंट किया अपने गेम को, और आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल बने और जो लोग अच्छे खेलते हैं वो और आगे पहुँचे हमारे माध्यम से। इस प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन यदि होने लगेगा तो गांव स्तर में भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, और इस प्रकार का खेल प्रतियोगिता होगा तो वो भी अपना प्रदर्शन कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सर अभी यहाँ पे कितने प्रखंड का आयोजन किया गया खेल? यहाँ पे 9 प्रखंड का आयोजन है। 9 प्रखंड का आयोजन है, 9 प्रखंड से यहाँ पे टीम आई हुई है। कितने प्रकार के खेल यहाँ पे संपन्न होंगे सर? 6 प्रकार के फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स इवेंट है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग। तो इतने प्रकार के खेल हैं और सभी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सम्मान के तौर पर यहाँ पे अवार्ड भी रखे हुए हैं। जो भी खिलाड़ी विजेता होंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। कल यहाँ पे सम्मान समारोह है ना सर? हाँ बिल्कुल, कल होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर जो इस प्रकार के कार्यक्रम रखा गया है इस विषय पर? देखिए, इस तरह से खेल प्रतियोगिता से गाँव के जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों को जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ से खेल के राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं। हमारे सभी खिलाड़ी को हमारी ओर से शुभकामना है, वो काफ़ी आगे बढ़े। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकार के यदि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए टीम भी उपस्थित हो और उसे प्रोत्साहित किया जाए तो आगे बढ़ पाएंगे, अपना कदम एक कदम आगे भी बढ़ा पाएंगे। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे देखा जाए अभी झारखंड के सरकार खेल कूद के विषय पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जहाँ आप दूसरे राज्यों में देखेंगे तो वहाँ के एथलीट में भी जाते हैं और सारा बड़े बड़े प्रोग्राम इवेंट करते हैं, लेकिन झारखंड में नहीं हो पा रहा, इस विषय पर क्या कहिएगा? देखिए, हमारा देश का कर्तव्य है कि 2028 तक भारत को सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना का फर्ज लिया है, और जिस तरह से हमारा हजारीबाग शहर हजार बागों का शहर है उसी तरह से हम हजारीबाग चाहते हैं कि हजार खिलाड़ियों का शहर हो। हजारीबाग में बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन उनका जुनून, जज्बा और हौसला, उनको मतलब कि बड़ा बड़ा ग्राउंड नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन नेहरू युवा केंद्र इस तरह का खेल आयोजन करवा के उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का ये काम करने का ये सपना सोचा है। और सचमुच हमारे हजारीबाग के खिलाड़ी भी देश तक, राष्ट्र तक और अंतर्राष्ट्रीय तक अपना नाम जरूर रोशन करेंगे, इस तरह से हम आशा कर रखते हैं। सभी को बस एक उम्मीद रहता है, लेकिन जहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के सभी सदस्य रहते हैं तो इस प्रकार के आयोजन जगह जगह पर कराते रहते हैं ताकि वैसे लोग जो रुचि रखते हैं खेल से वो भी अपना भागीदारी निभा सके और अपना कदम आगे बढ़ा सके। हम यहाँ से बात करना चाहेंगे, महिला टीम भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भाग भी लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? इस प्रोग्राम के जैसे गांव से हम लोग खेल के जिला स्तर पर पहुंचाए हैं टीम लोगों के। ये गांव स्तर से खेल शुरू हुआ और ये जिला स्तर तक पहुंच गया है, और इस प्रकार से यदि राष्ट्रीय स्तर पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? गांव से, विभिन्न विभिन्न गांव से यहां पे खेल के लिए आए हुए हैं और सब अपना गाँव का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और बस सभी का मनोबल बढ़ाने का काम नेहरू युवा केंद्र यहाँ पे कर रहा है। हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे विभिन्न प्रखंड से जो 9 प्रखंड से खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे एक यहाँ पे टीम है, इस टीम से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? शशि कुमार। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं अभी? विष्णुगढ़ हॉस्पिटल चौक।
विष्णुगढ़ से आए हुए हैं और ये जो टीम है ये कौन से खेल के लिए आए हुए हैं? अभी फुटबॉल के लिए। फुटबॉल खेल का टीम है और इस टीम के सदस्य आप देखेंगे ये सभी विष्णुगढ़ के टीम है। आप क्या कहना चाहिएगा, विष्णुगढ़ से हजारीबाग आए हुए हैं अभी खेलने के लिए? खेलने के लिए अच्छा लग रहा है हम लोग खेलने में। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का एक उम्मीद होता है कि हम भी अपने खेल में अपना प्रथम स्थान हासिल करें। क्या कहिएगा, आपका क्या उम्मीद है इस खेल से? उम्मीद यही रहेगा कि हम विजय होके यहाँ से जाएंगे। विजय होके जाने का उम्मीद है क्योंकि विष्णुगढ़ से चल करके जो 40-45 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ से आप लोग जिला स्तर पर खेलने आए हुए हैं ना? यस सर। तो क्या आप कहना चाहेंगे सभी खिलाड़ियों को? हम लोग अपना बेस्ट देना है, पूरा जितना मेहनत है किए अभी तक प्रैक्टिस में वो सब। तो ये सभी विष्णुगढ़ का टीम है और भी हम टीम से बात करने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? कैसर हुआ। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम कटकम थानी परकन खुटरा पंचायत से आए हुए हैं। आप भी खेलने के लिए आए हुए हैं या फिर किसी के साथ में आए हुए? वॉलीबॉल टीम मेरा आया हुआ है। वॉलीबॉल टीम है आपका और यही टीम आपका है क्या? यही बस यही। ये टीम जो आप देख रहे हैं ये वॉलीबॉल टीम है कटकम सांडी से ना? कटकम सांडी से। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को? दर्शकों को कहना चाहेंगे कि एंजॉय कीजिए हम लोग का गेम होगा जब उस टाइम, थोड़ा चेयर अप कीजिए हम लोग का। और नेहरू युवा केंद्र को आप क्या कहिएगा? हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह का आयोजन हो रहा है इसमें, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्लेयर लोग को भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे ग्राउंड में भी फुटबॉल का खेल चल रहा है और ये सभी अलग अलग जगहों से टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, बहुत सारे टीम यहाँ पे हैं। हम कुछ और टीम से बात करने का प्रयास करेंगे जो अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं। ये भी आपको यहाँ पे एक सामने एक टीम दिख रहा है और इस टीम से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजकुमार। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं खेलने? हम लोग टाटी एरिया ब्लॉक से आए हैं खेलने के लिए। आए विष्णुगढ़ से, हम लोग का वॉलीबॉल का मैच है। टाटी जरिया से आए हुए हैं और विष्णुगढ़ का टीम जो अभी बात किए हैं वहाँ से वॉलीबॉल का मैच है ना? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी दर्शकों को? हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो खेल रहे हैं आप उसमें मतलब भागीदारी दीजिए और हम लोग का थोड़ा सहायता कीजिए। आपका क्या नाम हुआ? रुपेश माफिया। आप झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो कहीं भी खेल का प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराती है? उनसे ये कहना चाहते हैं कि हर गांव-गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में खेल का प्रतियोगिता करवाएं और गांव को, लड़कों को थोड़ा इससे इस चीज़ में मनोकामना को मतलब पूरा करें। उनका इच्छुक रहता है कि हम खेलें। तो ये टाटी जरिया टीम है और ये भी चाहते हैं, कह रहे हैं कि गांव स्तर के लोग भी चाहते हैं कि हम भी खेलें, लेकिन मौका नहीं मिल पाएगा तो कैसे खेल पाएंगे, अपने कला को कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे? आप क्या कहिएगा, टाटी जरिया से आए हुए हैं जिला स्तर पर खेलने के लिए? मैं तो झारखंड सरकार से यही कहना चाहता हूं कि हम सब छोटे छोटे गांव से एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाते और अच्छा प्लेयर एक छोटा ही गांव में छुपा रहता है। तो झारखंड सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब छोटे छोटे गांवों को सपोर्ट कीजिए और हम सबों का मनोबल को बढ़ाइए। इस प्रकार के जो गांव स्तर के लोग हैं इन लोग का भी यदि टीम बढ़ाया जाए और लोगों को मदद किया जाए, खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार यादव। आप कहां से आए हुए हैं? चलकुसा प्रखंड से। तो आप वहां से जिला स्तर पर खेलने के लिए आए हुए ना? जी। कौन सा खेल का आपका टीम? हम लोग का वॉलीबॉल का टीम है। वॉलीबॉल का जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसमें ये नेहरू युवा केंद्र का जो कार्यक्रम किया गया बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग गांव के अपने पंचायत स्तरीय से भी हम लोग वॉलीबॉल का विजेता रह चुके हैं और अभी जो इस कौन सा माध्यम सफर नया के माध्यम से जो आप कार्यक्रम को दिखा रहे हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये खेल ऐसा खेल है कि हम लोग आज पंचायत स्तरीय खेल रहे हैं, जिला स्तरीय का मैच खेलने आए हैं, पंचायत स्तरीय को जीत चुके हैं हम लोग। आप देखिए खिलाड़ी तो हम लोग का 100% रहेगा अपना तरफ से 100%। अब देखिए चलिए खिलाड़ी तो हमेशा चाहता है कि हम गांव स्तर से जिला स्तर पर पहुंचे हैं और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को पैर खींचने का काम नहीं करना चाहिए ताकि वो गिर सके, उसका हाथ पकड़ करके ऊपर करने का काम झारखंड के सरकार यदि करने लगे तो झारखंड के लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर जा पाएंगे क्या?
बात सही है ना? बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए सभी को मदद करना होगा और इस प्रकार के जो भी खिलाड़ी हैं उन सभी को आगे लेकर के आने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम कुछ और टीम से यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, और ये सभी लोग जो हैं खेल खेलने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार राणा हुआ। कहाँ से आप आए हुए? मैं बरकट्ठा ब्लॉक से हूँ। बरकट्ठा ब्लॉक से आए हुए हैं आप? खेलने ही आए ना? जी, कबड्डी खेलने आया हूँ। कौन सा टीम आपका है? मेरा टीम ये सारे लोग हैं और कुछ अभी उधर गए। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बरकट्ठा से आप यहाँ पे आए हुए हैं जिला स्तर का जो आयोजन है उसमें खेलने के लिए, तो क्या कहिएगा आप इस खेल को लेकर? मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ गाँव के लोग इसी तरह से आगे बढ़े। मौका मिला है तो उसको मतलब भुलाना है अपने जीवन में और नई खेल की पद्धति को आगे लेके जाना है गाँव के स्तर से। गांव स्तर से खेल की पद्धति को आगे लेकर के जाने का प्रयास किया जा रहा है और ये सभी गांव से ही हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो बेहतर रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? साथ में ही हैं, एक ही साथ है ना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रुस्तम नाम हुआ। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? कटकम सांडी से आए हुए हैं। कौन सा खेल का टीम है आपका? कटकम सांडी फुटबॉल। टीम कौन सा है खेल का? फुटबॉल का टीम है ना, और सभी लोग कटकम सांडी से फुटबॉल को लेकर के खेल रहे हैं। क्या कहिएगा आप? क्या हमारा टीम तो अभी बहुत अच्छा खेल रहा है सर, देखिए आगे क्या कहना होता? चाहेंगे आपका अपना जो टीम है उसको क्या कहना चाहेंगे कि प्रथम प्राइज आप लेकर के आए क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा टीम प्रथम प्राइज लेके आएगा। तो फर्स्ट प्राइज कह रहे हैं ये भाई साहब है ना, क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ, हमारा कटकम सांडी टीम से फर्स्ट प्राइज की भावना है। चलिए, अपने टीम को कह रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज लेकर के आना है, उसके लिए अपने पूरे जोश और जुनून के साथ खेलना होगा। और आप देखेंगे अभी फील्ड में भी टीम है और वो अभी खेल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और टीम यहाँ पे है, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से है। आपका क्या नाम हुआ? शेखर कुमार। तो कहाँ से आप आए हुए हैं? सदर प्रखंड से। सदर प्रखंड हजारीबाग से ये सभी लोग यहाँ पे आए हैं और जिला स्तर का जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है इस विषय पर आप क्या कहिएगा? जी कि बहुत अच्छा किया गया है, दूर दूर से टीम आई हुई है देख रहे, लेकिन है कि थोड़ा कुछ कमी भी दिख रही है यहाँ पे। क्या कमी दिखा आपको? प्रॉपर मतलब यहाँ पे गाइडेंस नहीं है रूल। देखिए, बात क्या है कि झारखंड के सरकार खेल कूद के क्षेत्र में उस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहा, तो कमी तो यहाँ बहुत कुछ है। आपका ये कि कमी यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये भी आयोजन किया गया है तो बड़ी बात है, लेकिन ये नहीं करते थे इतना भी नहीं हो पाता। लेकिन झारखंड के सरकार से आप क्या कहिएगा कि आयोजन कहीं नहीं हो पाता है? ये यही कहना चाहेंगे कि उनको आयोजित करना चाहिए। अब जैसे हमारे युवा देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस समय, तो झारखंड सरकार से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाना चाहिए, खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए, तभी झारखंड का वास्तविक विकास हो पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो खेल प्रतियोगिता है? जी, मेरा नाम धीरज सिंह है। हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट सही होना चाहिए था। जैसे अभी एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, उसके लिए कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, वो सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइज करे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे खेल होता है उस दौरान कोई घायल भी हो जाते हैं तो उसका प्रॉपर व्यवस्था हो, मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए और होता ही है, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो सभी खिलाड़ी जो हैं ये थोड़ा सा दुखित हैं, क्योंकि अभी एक घटना भी हुआ जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, है ना? जी, तो जी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? इस पे बस थोड़ा मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। आप लोग का वॉलीबॉल का ये टीम है पूरा ना? जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनित कुमार है और मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता है और प्रॉपर अभी आप देख सकते हैं उधर वॉलीबॉल कोर्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर किट हम लोगों को दिया गया है वैसा कुछ, जो ना अभी तक नाश्ता की व्यवस्था है, इतना जितने सारे प्लेयर्स अभी सारे कोई भूखे हैं फिलहाल। प्रॉपर व्यवस्था किया जाए तो हमारे गांव स्तर से भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो अभी गांव स्तर में ही हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? विशाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज का इस जो छोटा मोटा जो भी कह सकते हैं या फिर बड़ा कहिए, क्योंकि नहीं आयोजन होता है तो ये छोटा भी है तो बड़ा ही है, तो इस विषय पर क्या कहिएगा? थोड़ा मैनेजमेंट खराब चल रहा है भैया, हम लोग को 10 बजे बुलाया गया, हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, अगला टीम फुटबॉल का चल रहा है, हम लोग बैठे हुए तब से, कुछ करवाना चाहिए, मैनेजमेंट थोड़ा डाउन चल रहा है। समय सबसे कीमती होता है और जैसा कि आप देखेंगे 1 बज चुका है और इन लोगों को 10 बजे ही बुलाया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बहुत अच्छा जगह पे हो रहा है जी, बच्चों और युवाओं के लिए बहुत अच्छा चीज है कि आगे खेलने का मौका मिलेगा, जो कहीं जा नहीं पाता यहाँ से खेल के आगे जाएगा, अच्छा है। लेकिन थोड़ा
व्यवस्था अच्छा रखना चाहिए ताकि खेले। चलिए व्यवस्था अच्छा रखना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बढ़िया, धीरे धीरे और बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा। इस बढ़िया है लेकिन धीरे धीरे और भी बढ़िया किया जाएगा, आपका क्या संदेश होगा? ठीक है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है और ये जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है और अच्छा ही है क्योंकि जिला स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है तो बहुत ही बेहतर है। एक और टीम है यहाँ पे, हम कुछ बात करेंगे थोड़ा सा कि कहाँ से ये टीम आए हुए हैं, कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? चलकुसा प्रखंड से हैं। चलकुसा प्रखंड से हैं, तो क्या कहिएगा आप यहाँ पे, कौन सा टीम है आपका? रूपानगर। कौन सा खेल का टीम है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का टीम है और इस प्रकार के ये सभी भी यहाँ पे आए हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। क्या आप बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेला के बहुत दूर दूर से आए हैं हम लोग, बस शिकायत यही दर्ज है, पानी उनी का व्यवस्था नहीं किया गया है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, धूप भी है और इस तरह से प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ये लोगों का शिकायत भी है। तो यही कहना चाहेंगे सफर नया भारत से कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो लेकिन उसके साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों को वो दिया जाए, जैसे पानी का व्यवस्था है गर्मी के दिनों में पानी का व्यवस्था किया जाए, वहीं पे नाश्ते का भी व्यवस्था किया जाए और साथ ही साथ छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट है वो भी ध्यान में रखा जाए ताकि खिलाड़ियों का यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था हो सके और वो आसानी से खेल सके। तो इसी प्रकार का आयोजन यदि जिला स्तर पर, गाँव स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर का कार्यक्रम आयोजन किया जाए तो गांव के जितने भी छुपे खिलाड़ी हैं जिनको कहीं मौका नहीं मिल पाता है वो भी अपना प्रदर्शन कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और खेल का भी राज्य का, झारखंड राज्य में खिलाड़ियों का भी नाम रोशन हो पाएगा। तो इस प्रकार से सफर नया भारत से नए झारखंड की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।